दोस्तों नमस्कार, आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट मगन सिंह फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा। दोस्तों आपका कानोडी आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई देसी जड़ी बूटी प्रकृति की अनेक प्रकार के जो हमने वनस्पति दिया है उनकी जानकारी देता आ रहा हूँ। हर बीमारी में कौन कौन सी जड़ी बूटी इस्तेमाल होती है इसकी जानकारी के वीडियो में देता आ रहा हूँ। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियोस को लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि उनको भी इस जानकारी का अभाव में उनको भी फ़ायदा नहीं मिल रहा, उनको भी अगर ये जानकारी आप पहुँचा देंगे तो उनको भी इन दिव्य जड़ी बूटियों का प्रकृति ने जो हमें चारों तरफ से हमें घरों के आसपास दी हुई है इनका फ़ायदा वो भी उठा सके। दोस्तों अंग्रेजी दवाओं का इस्तेमाल कम से कम करें और प्राकृतिक चीज़ों का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो आपको इनके साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, आपके शरीर में नुकसान नहीं होंगे और आपका पैसा भी बर्बाद होने से बचेगा। दोस्तों अंग्रेजी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे किसी को शुगर की बीमारी है और वो शुगर की इंसुलिन वगैरह की गोलियां खा रहा है तो उसकी किडनी में दोस्तों खराबी होना निश्चित है और वो किडनी सी की खराबी की वजह से वो इंसान मरता है। तो दोस्तों अंग्रेजी दवाओं के साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा है, ये कम से कम इनका प्रयोग करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आयुर्वेद का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों बाबा रामदेव ने आयुर्वेद और योग का पूरे विश्व में प्रचार किया है लेकिन हम भारतवासी हम इतने इस योग के देसी जड़ी बूटियों के फ़ायदा नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि हमें इनकी जानकारी अब भी नहीं है। हमें जानकारी अभाव में हम इनके फायदे इनको देसी जड़ी बूटियों को बेकार का खरपतवार वगैरह बेकार का पौधे समझते हैं। दोस्तों विदेशों में जितने भी अंग्रेज देश है सब ने अंग्रेजी दवाओं का सेवन बहुत कम कर दिया है और वो आयुर्वेद और योग के ऊपर आ गए हैं। अपने आयुर्वेद का पौधा आज के ये औषधीय पौधा है अरंड, इसको आप हर पूरे भारतवर्ष में ये पाया जाता है और इसके फ़ायदे नहीं जानते, लेकिन दोस्तों आज मैं इसके चमत्कारी फ़ायदे आपको बताऊंगा। आपने इससे पहले कहीं नहीं सुने होंगे इतने वो चमत्कारी फ़ायदे। मैं पूरी दुनिया के डॉक्टरों ने जो इसके रिसर्च की है ताज़ा रिसर्च लेकर आया हूं और मैं आपके सामने इस रिसर्च को रख रहा हूं। इनको किस किस बीमारी में इस्तेमाल किया जाता है ये मैं अब आपके सामने रख रहा हूँ। दोस्तों ये बहुत चमत्कारी एक प्रकृति की दीवी जड़ी बूटी, ये पत्ता आप देख रहे हैं इस तरह से इसके पत्ते होते कटे कट लगे हुए होते हैं पूरी हथेली की उंगलियों जैसे और इस तरह से इसकी ये बनावट होती है। इस पे ये फल लगते हैं और इन फलों में बीज बनते हैं जिसको इंडोली बोलते हैं या चिया बोलते हैं, हर जगह अपनी अपनी भाषा में अलग अलग नाम से बोलते हैं। जैसे ये फलों का गुच्छा है, ये अभी कच्चा है, ये कुछ दिन में ये पक जाएगा और महीने के अंदर ये पक के पूरी तरह से सूख जाएगा और इसके अंदर एक बीज निकलता है उसमें बहुत मात्रा में तेल होता है, उसी तेल को कैस्ट्रल ऑयल का बोलते हैं, अरंडी का तेल बोलते हैं। दोस्तों ये हमारे अनेक प्रकार की बीमारियों में इतना रामबाण औषधि है जिसकी जानकारी आपको नहीं है और उसका फ़ायदा आप उठा नहीं पा रहे हैं। दोस्तों आज मैं इसकी जानकारी का एक एक जानकारी को मैं आपके सामने रख रहा हूं और एक एक फ़ायदे को किस किस बीमारी में इसका प्रयोग किया जाता है ये मैं पूरी आपके सामने आज एक एक फ़ायदे की जानकारी मैं देने जा रहा हूँ। दोस्तों मैं एक बार फिर दोबारा आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे वीडियोस को शेयर करें, लोगों को शेयर ज़रूर करें ताकि आप भी समाज की भलाई के भागीदार बन सके, क्योंकि अधिकतर लोगों को इन देसी दवाओं को इनको प्राकृतिक चीज़ों को ऐसे ही बेकार की चीज़ समझते हैं। इस अरंड को भी आपने देखा होगा सड़क में किनारों पर हर जगह ये अरंड मिलता है लेकिन इसको ऐसे बेकार का पेड़ समझते हैं लोग, लेकिन इसके चमत्कारी फ़ायदे आज आप जान जाएंगे तो आप इसको पूरी तरह से आप अपने खेतों पर भी इसको उगाएंगे और इसके फ़ायदे उठाएंगे। दोस्तों सबसे पहला फ़ायदा इसका मैं बताता हूँ, जो भाई बहन बच्चा संतान जैसे परिवार नियोजन करना चाहते हैं, उन्होंने एक बच्चा पैदा हो चुका है और बच्चे वो नहीं चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसे दोनों पति पत्नी
का एक दो चम्मच इसका अरंडी का तेल कैस्ट्रोल ऑयल को दूध में डाल करके रात को रोज़ाना पियेंगे तो उनको ये बच्चा होने में ये अरंडी का तेल उनको रुकावट पैदा करेगा और उनको बच्चा नहीं होगा। ये परिवार नियोजन के लिए है दोस्तों। जब बच्चा होता है तब महिला को बहुत पीड़ा उसमें सहन होती है, करनी पड़ती है। ऐसे में एक दो चम्मच बच्चा होने में अगर उनको दर्द उठ रहा है तो यह इसमें एक दो चम्मच बच्चा होने से आखिरी समय में जब बच्चा होता है उस समय दूध के साथ मिला करके इस दो चम्मच तेल को पिला दिया जाए तो उनको पीड़ा कम होगी और उनका जल्दी ही वो बच्चा आराम से बगैर किसी समस्या के मुसीबत के पैदा हो सकता है। दोस्तों ये जोड़ों के दर्द के लिए एक रामबाण औषधि है दोस्तों। जिसको गठिया है या वैसे जोड़ों में दर्द होता है उन जोड़ों के दर्द को इसके पत्ते को थोड़ा सा गर्म करें और इस पे इसी का तेल आता है जो अरंडी का कस्टर्ड ऑयल होता है वो तेल लगा करके बांध कर उसको ऊपर से कपड़ा बांध देंगे और रात भर रखेंगे तो इसके जोड़ों का जो दर्द है आपका वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। दोस्तों ये चर्म रोग के लिए बहुत ही एक चमत्कारी औषधि है। जहाँ भी आपको दाँत खाज खुजली है, एक्जिमा है, सोराइसिस है, ये जो चर्म रोग में होते हैं उस चर्म रोग को इस तेल को लगा करके आप पूरी तरह से जड़ से ख़त्म कर सकते हैं। ये आपको एक महीने लगातार लगाते रहना है और दूध के साथ इसको एक दो चम्मच इसका कैस्टर ऑयल ज़रूर पीना है। दोस्तों ये एंटीऑक्सीडेंट का काम है, ये करता है, इसमें ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो हमें रोग से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, हमें रोगों से बचाता है। ऑक्सीडेंट का एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। दूध के साथ इसको हल्दी आधी चम्मच हल्दी डाल कर इसको एक दो चम्मच दूध के साथ पियेंगे तो ये हमें रोगों से बचाएगा। दोस्तों ये सूजन, जहाँ भी सूजन आती है आपको पैरों में, घुटनों में, जाम दर्द की वजह से, तो इसका तेल को आप पत्ते को बांधेंगे और इसके तेल को दूध के साथ और हल्दी के साथ पियेंगे तो आपके सूजन पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों जिनके बाल गिरते हैं, बालों में डैंड्रफ है, तो वो नारियल के तेल में मिला करके इसके तेल को, अरंडी का तेल को मालिश करेंगे तो कुछ ही दिनों में ये उनका डैंड्रफ ख़त्म होगा और बाल गिरना बंद हो जाएगा और बाल चमकदार काले घने हो जाएंगे। दोस्तों ये पीलिया का रामबाण इलाज है। दोस्तों पीलिया, जिनको पीलिया हो जाता है लीवर में खराबी की वजह से, ऐसे में इनका एक दो चम्मच और आधी चम्मच हल्दी के साथ डाल करके दूध में डाल करके अगर पियेंगे तो उनका कुछ ही दिनों में पीलिया पूरी तरह से ठीक होगा और लीवर उनका ठीक हो जाएगा। जिन भाइयों को कब्ज़ रहती है उनको कब्ज़ के लिए रात को दूध के साथ एक दो चम्मच दूध के साथ लेने से उनकी कब्ज़ पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये जख्म एंटीसेप्टिक गुण पाए जाते हैं। अगर कहीं आपको फोड़ा फुंसी है, जख्म है, तो इसके तेल को लगाने से उसमें इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म कर देगा और वो जख्म जल्दी ठीक होगा। दोस्तों जिन महिलाओं में, माता बहनों को मासिक धर्म में पीड़ा होती है, दर्द होता है, तो ऐसे में इस तेल की उनको नाभि के चारों साइड में इसके तेल की मासिक धर्म में पीड़ा होना बंद हो जाएगा। दोस्तों जिनको सिर में दर्द है तो वो इसका अरंडी का तेल को नारियल के तेल में मिलाकर सिर में मालिश करेंगे तो उनका सिर का दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। दोस्तों ये तो बता दिए मैंने, इनको इतने फ़ायदे बता दिए, आप इनके फ़ायदे जानकर आप बहुत, जिन माता बहनों के स्तन छोटे होते हैं वो अपने स्तन को आकार को बढ़ाना चाहती है तो वो स्तनों पर इसके तेल की मालिश करें, और जिनको माता बहनों को स्तनों में गांठ हो जाती है ऐसे में वो स्तनों पर इसके तेल की मालिश करेंगे और दूध के साथ दो तीन चम्मच रोज़ाना इसका सेवन करेंगे तो उनके स्तनों की गांठ पूरी तरह से धीरे धीरे पिघल जाएगी और उनका सुडोल स्तन हो जाएंगे। दोस्तों ये तो थे मैंने फ़ायदे इसके जो कैस्ट्रोल ऑयल के। अब इनका साइड इफ़ेक्ट किन लोगों के लिए है ये मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों जो कमज़ोर आदमी है, माता बहन है या कोई भी भाई बहन है,
कमज़ोर आदमी जिसमें वज़न कम है उनको ये इसका सेवन नहीं करना चाहिए, ठीक है जी। जो और जिनके पेट में या कोई अंदर शारीरिक कोई जख्म है, कोई ऐसी चीज़ें है, तो उनको भी इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दोस्तों जिनको ये प्रेग्नेंट जिनके पेट में माता बहन के किसी के पेट में बच्चा है, तो उन प्रेग्नेंट महिला को माता बहन को इसका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों इसके ये दो परहेज है, इन आदमियों को इसका सेवन किसी भी रूप में इनको नहीं करना है। तो दोस्तों आपको ये जानकारी कैसी लगी? दोस्तों मैं आपको फिर दोबारा ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल पर दबा दें, ताकि मैं नया कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो तुरंत आपको इसकी सूचना मिलेगी और आप इसकी जानकारी ले सकेंगे। और दोस्तों मेरे वीडियोस को शेयर करें, ताकि आप भी समाज की भलाई में भागीदार बन सकें। आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।